तो दोस्तों शाहरुख खान की मूवी रावण को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ जानकारी सामने आती है। कभी फैंस सोशल मीडिया पर वी वांट रावण ट्रेंड चलाते हैं, तो कभी फिल्म मेकर्स कुछ बात बोल देते हैं, तो कभी सेलिब्रिटी। वही अब कीर्ति सेनन ने रावण 2 पर कह दी बड़ी बात। जी हाँ, दरअसल किंग खान के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस कीर्ति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है। फिल्म में अभिनेत्री ने रोबोट की भूमिका निभाई है। हाल ही में उन्होंने अपने फैंस से बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया पर आस्क मी सेशन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने फैंस सवालों के खास अंदाज में जवाब दिए। सेशन के दौरान एक यूजर ने अभिनेत्री से शाहरुख खान के किरदार जीवन और फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में सिफरा के संभावित क्रॉसओवर के बारे में एक सवाल किया। इस पर अभिनेत्री ने भी दिलचस्प प्रतिक्रिया दी। फैन ने कृति से पूछा, क्या हम सिफरा और जीवन का क्रॉसओवर देख सकते हैं? प्रशंसक के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कृति ने कहा कि ऐसा हो सकता है। बता दें, रावण 2 की मांग कब से चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। बात करें रावण मूवी की, तो शाहरुख खान अभिनीत और अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म रावण साल 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म रावण की जिस समय घोषणा हुई थी, उस समय फिल्म ने अपने बजट और वीएफएक्स से जुड़ी बातों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म का कुल बजट 130 करोड़ रुपए के आसपास था। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म के वीएफएक्स सहित अन्य टेक्निकल चीजों पर ही हुआ था। अच्छा खासा बजट होने के बावजूद फिल्म रावण बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इस फिल्म को शानदार वीएफएक्स के लिए साल 2011 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। फिल्म में कुल 3400 वीएफएक्स शॉट इस्तेमाल किए गए थे। 156 मिनट की कुल फिल्म से 125 मिनट में वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फिल्म रावण में 80% वीएफएक्स का कमाल था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रावण को बनाने का विचार डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को बच्चों का विज्ञापन देखकर आया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी, लेकिन समीक्षकों ने रावण फिल्म के निर्देशन और पटकथा को काफी कमजोर बताया था, जिसकी वजह से इस फिल्म की गिनती हिट फिल्मों में नहीं होती। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मेकर्स को रावण का पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डायहार्ट फैन हैं, तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।